हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। बहुत सारे नीचे कमेंट्स आ रहे थे, सर आयन इलेक्ट्रॉन विधि लेके आइए, बहुत कठिन लगती है। ठीक है, हमें भी अपने जमाने में बड़ी कठिन लगती थी। आज आपको एक ट्रिक सिखाने वाले हैं और इस ट्रिक के बाद आप किसी भी आयन इलेक्ट्रॉन विधि से रिएक्शन को बहुत आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सब्सक्राइब नहीं करते सर देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ट्रिक बताते हैं। ठीक है, ट्रिक क्या है, सबसे पहले हम लोग अणु बैलेंस करेंगे। क्या बैलेंस करेंगे? अणु। फिर हम लोग बैलेंस करेंगे आयन। क्या बैलेंस करेंगे? आयन। और फिर बैलेंस क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन। मेरे साथ में बोलिए। बोले सर जी ये कैसी ट्रिक है, जरा बने रहिए तो समझ में आएगा। सबसे पहले अणु, फिर आयन, फिर इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले अणु, फिर आयन, फिर इलेक्ट्रॉन। सर जी ये क्या मतलब है? अणु का मतलब जो एबीसीडी लिखी हुई है पहले वो बैलेंस करेंगे। क्या मतलब है जरा देखिए भैया। हमेशा देखिए, हमेशा जिंदगी जोड़े में चलती है। लोग कहते नहीं अगर वो अकेले रह गए, अरे अगर देसी भाषा नहीं आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है थोड़ा पढ़ाई वाला चैनल है, लेकिन हाँ लोग कहते वो अकेले रह गए, अब उनका कोई है ही नहीं। जिंदगी जोड़े में चलती है। तो जब भी जैसे मान ले ये रिएक्शन बैलेंस करनी है, जरा कायदे से देखिएगा, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है उसमें जरा जोड़ा ढूंढिए आप। ठीक, जोड़ा क्या है देखिए, यहाँ पे MnO4 लिखा हुआ। ठीक है, तो हमने बहुत इज्जत से लिखा MnO4 निगेटिव। अब इसका जोड़ा उधर आपको कौन दिख रहा? इसका जोड़ा Mn का जोड़ा Mn ही होगा सर। तो हमने ऐसे करके एरो लगाया और यहां पे लिख दिया Mn डबल पॉजिटिव। देखिए बिल्कुल आसान है, आपको दो तरफ रिएक्शन दे रखी होगी, इसे दो अलग अलग अभिक्रियाओं में हम तोड़ लेंगे। ठीक, देखिए क्या करेंगे, इधर कौन लिखा था Mn, इसका जोड़ा इधर कौन लिखा था Mn। ठीक, बताइए इधर कौन लिखा हुआ है Fe और इसके इधर कौन लिखा हुआ है Fe ट्रिपल पॉजिटिव। कौन लिखा हुआ है? Fe ट्रिपल पॉजिटिव। ये देखिए जोड़ा है, ये जोड़ा। सर जी इधर H लिखा हुआ है, इधर H2O लिखा हुआ, क्या जे भी लिख लें? नहीं सर, तीन आपके पास लाइफ लाइन है। नंबर एक H पॉजिटिव, नंबर दो OH नेगेटिव, नंबर तीन H2O। ये तीन आपके पास लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन क्या होता है? जब आप कहीं पे अटक जाएंगे तो इन तीनों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, मेरी बात सुन लीजिए। आपने देखा होगा KBC, कौन बनेगा करोड़पति। क्या करते हैं आप, कहीं पे अटक जाते तो लाइफ लाइन लेते हैं। आपके पास कितनी लाइफ लाइन है? तीन। एच पॉजिटिव यानी एच आयन, OH नेगेटिव यानी OH आयन, यानी अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम और आखिरी में उदासीन यानी H2O। ये तीनों अपनी लाइफ लाइन है। ठीक दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ये एक रिएक्शन दे रखी है, क्या किया सबसे पहले इधर Mn उतार लिया, Mn का जोड़ा Mn उतार लिया, इधर Fe उतार लिया, Fe का जोड़ा Fe उतार लिया। ठीक, अब देखिए कितना आसान है। हमने आपको ट्रिक क्या बताई, सबसे पहले अणु, फिर आयन और फिर इलेक्ट्रॉन। ठीक दोस्तों, सबसे पहले अणु बैलेंस करेंगे। अणु का मतलब ABCD। क्या ABCD? बताइए यहां पे Fe कितना लिखा हुआ है? एक Fe है। कुछ लोग कहेंगे तो दो है, वो तो प्लस माइनस, वो तो आयन है। ABCD देखो कितनी लिखी है, Fe कितना लिखा हुआ है? एक लिखा है। इधर देखिए Fe कितना लिखा हुआ? एक लिखा है। यानी जो नीचे वाली रिएक्शन हम लोगों ने लिखी है इसमें ABCD बराबर है। इधर भी एक Fe लिखा, उधर भी एक Fe लिखा, लेकिन जो दूसरी लिखी है इसमें देखिए Mn कितना है? एक। और इधर देखिए Mn कितना है? एक। यहां O कितने हैं? चार। क्या इधर O है? नहीं है। नहीं है O तो लाइफ लाइन है। कौन कौन है? आप H आयन इस्तेमाल कर सकते हैं, आप OH आयन इस्तेमाल कर सकते हैं, आप H2O इस्तेमाल कर सकते हैं। भैया एच आयन का मतलब अम्लीय, OH का मतलब क्षारीय और H2O मतलब बावा, किसी कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग हमेशा H2O का इस्तेमाल किया करेंगे। वैसे भी रिएक्शन में उधर H2O चल रहा है तो हम इधर किसे उतार ले रहे हैं? H2O का। देखिए आसान है, रुके रहिएगा एक मिनट। सबसे पहले आप क्या बराबर कर रहे हैं? अणु। अणु क्या होता है? ABCD। हमने सबसे पहले जोड़ा बनाया दोस्तों, Mn का जोड़ा ये रहा, Fe का जोड़ा ये रहा। ठीक, जोड़ा बनाने के बाद हमने देखा यार यहां भी एक Fe है, यहां भी एक Fe है, यहां भी एक Mn, यहां भी एक Mn, यहां पे चार O है लेकिन इधर O है ही नहीं। तो क्या करेंगे, इन तीनों में से कुछ एक लिखेंगे। हमने क्या लिख लिया? H2O। लेकिन आपने एक चीज बनाई दूसरी बिगड़ गई। इधर O कितने हैं? चार। वो कितने हैं? चार। और इधर वो कितना आया? एक। तो हमने इसकी चार से गुणा कर दी। देखते रहिएगा सर, जब चार से गुणा करी आप देखिए एक चीज बढ़ा रहा है दूसरी। यहां पे Mn कितना? एक। Mn कितना है? एक। वो कितने हैं? चार। वो कितने हैं? चार एकम चार। लेकिन सर जी एक दिक्कत है, अभी बताइए क्या? चार दूनी आठ, जो एच चल रहा है इधर वो इधर एच नहीं है। तो एच के लिए क्या करेंगे? एच आयन अपने पास लाइफ लाइन है, तो प्लस में यहां लिख दिया 8H पॉजिटिव।
सब लोग देखिए कितना आसान है। सबसे पहले आपके पास एक रिएक्शन दे रखी होगी, ठीक भैया, ये रही रिएक्शन। आप क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, रिश्तेदारी बनाएंगे। इधर कौन था MN, इधर कौन था MN, इधर कौन था FE, इधर कौन था FE। सबसे पहले ABCD बराबर, जितने FE इधर उतने FE इधर, काम चल गया। जितने MN इधर उतने MN इधर। लेकिन सर जी यहां चार O थे, यहां O था ही नहीं, हमने H2O को उतार लिया। चार इधर थे तो यहां चार से गुणा कर दी, चार से गुणा करी, लेकिन चार दूनी आठ, एच भी आ गए, तो इधर हमने क्या किया, एच लगा दिया अपने पास से और आठ से गुणा कर दी। एबीसीडी बराबर हो गई, ये ना मानो, यानी अणु जो है वो बराबर हो गया। ना मानिए तो चेक कर लीजिए, एफई कितना एक, एफई कितना एक, एमएन कितना एक, एमएन कितना एक, ओ कितने चार, ओ कितने चार एकम चार, एच कितने आठ, चार दूनी आठ। ठीक है सर, आपकी एबीसीडी बराबर हो गई। अब अणु के बाद आप बराबर करेंगे आयन, क्या बराबर करेंगे आयन, देखिए कैसे आयन क्या होते हैं। आयन का मतलब होता है प्लस या माइनस। सबको यह बात पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस होता है, तो जहां हमें माइनस की जरूरत पड़ेगी हम वहां इलेक्ट्रॉन लगा दिया करेंगे। देखिए कैसे, देखिए यहां पर माइनस आपको कितना दिख रहा, एक माइनस दिख रहा, और यहां पर प्लस आपको कितने दिख रहे, लोग कहेंगे एक प्लस दिख रहा, नहीं सर यहां आठ से गुणा है, आठ प्लस है एक माइनस है, तो आठ प्लस में से एक माइनस गया, ध्यान देखिए आठ प्लस में से एक माइनस गया, तो कितने प्लस बच्चे इधर, सात प्लस बच्चे, धीरे से पेंसिल से लिख लिया, इधर देखो कितने प्लस है, दो ही प्लस है, इधर प्लस कितने हैं, सात, इधर प्लस कितने हैं, दो। अभी बताया इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस, इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस, इधर दो प्लस हैं, अगर इधर भी दो चाहिए तो हमने लिख दिया प्लस के पांच इलेक्ट्रॉन। अभी बताया इलेक्ट्रॉन माने माइनस, बताओ पांच इलेक्ट्रॉन जो होगा माइनस, एक इलेक्ट्रॉन जो पांच और एक, कितने इलेक्ट्रॉन होगा, छह माइनस, आठ प्लस थे, आठ में से छह गया, इधर भी प्लस कितने बचेंगे, दो, उधर प्लस कितने चलना है, दो। सबसे पहले हमने अणु यानी एबीसीडी बराबर करी है, फिर आयन यानी प्लस माइनस बराबर कर रहा है। नीचे वाले में आप बताइए, यहां प्लस कितने हैं, देखिए दो, यहां प्लस कितने हैं, तीन, एक ज्यादा, तो इधर हमने एक इलेक्ट्रॉन लगा दिया, ठीक, तीन में से एक चला जाएगा, इधर भी दो बचे, यानी इधर भी दो प्लस होगा, इधर भी दो प्लस होगा। यानी अभी तक आपको क्या समझ में आया, सबसे पहले आप अणु बैलेंस करेंगे। अणु क्या होता है, अणु सर जी जो होता है, जो एबीसीडी होती है वो अणु होता है, ठीक। फिर आप आयन बैलेंस करेंगे, आयन क्या होता है सर जी, जो प्लस माइनस होता है वो आयन होता है। आखिरी में आप इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे, आखिरी में इलेक्ट्रॉन यहां पे कितने हैं, पांच, यहां पे कितने हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हमने इस समीकरण की पांच से गुणा कर दी। ये देखिए पांच से यहां गुणा करी, पांच से यहां गुणा करी, और पांच से यहां, कोई मौसी का घर तो है नहीं जो खाली यहां कर देंगे, पूरी समीकरण में गुणा करनी पड़ेगी, तो यहां इलेक्ट्रॉन पांच थे, यहां नहीं थे, एक ही था, तो पूरी समीकरण को पांच से गुणा कर दी। अब आप चेक कर लो, अणु सारी एबीसीडी बराबर है इन दोनों में, आयन सारे प्लस माइनस बराबर हैं, इलेक्ट्रॉन यहां भी पांच है, यहां भी पांच। अब आपने क्या किया, एक लाइन खींची और पांच इलेक्ट्रॉन से पांच इलेक्ट्रॉनों को काट दिया। क्यों काटा, क्योंकि जे बराबर के इधर लिखे हुए हैं और वो बराबर के उधर लिखे हुए हैं, जो बचा वो उतार लिया। क्या बचा, देखो MN O4 नेगेटिव बचा, प्लस में क्या 8 H पॉजिटिव बचा, प्लस में क्या 5 FE डबल पॉजिटिव बचा, यहां क्या बचा MN डबल पॉजिटिव, यहां क्या बचा 4 H2O, यहां क्या बचा 5 FE ट्रिपल पॉजिटिव। ये देखिए आप मतलब यही प्ले करना चाहिए, 5 FE जो भी बचा है तो सब उतार, ये वाले ये इधर उतार दिया एरो लगा के, ये वाले और ये यहां उतार दिया, ये आप चेक कर सकते हैं, अभिक्रिया बराबर हो गई। कुछ लोग सोचेंगे ये तो बहुत आसान है, हम इतने दिनों से क्यों उल्लू बन रहे थे, बिल्कुल आसान। अब मान लिया अम्लीय माध्यम कहेगा तो OH नेगेटिव इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक, क्षारीय कहेगा तो H पॉजिटिव इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक। अभी आप समझिए, सबसे पहले आपको एक अभिक्रिया दे रखी होगी, आप क्या करेंगे जोड़े बनाएंगे, आपको एच आयन से कोई मतलब नहीं जो लाइफ लाइन है, H2O से कोई मतलब नहीं जो लाइफ लाइन है, OH नेगेटिव से कोई मतलब नहीं वो लाइफ लाइन है, ठीक। तो है क्या, MN है MN लिख लिया, इसका जोड़ा MN है MN लिख लिया, FE है जो FE है, FE का जोड़ा FE है FE लिख लिया। सबसे पहले क्या बैलेंस करोगे, अणु, अणु का मतलब ABCD, इधर MN कितना एक, MN कितना एक, O कितने चार, उधर नहीं थे H2O लगाया, H2O लगाया चार से गुणा करी, चार O आ गए लेकिन आठ H बढ़ गए, आठ H लगा लिए बराबर हो गए, यहां FE एक ABCD बराबर है। अणु के बाद क्या बराबर करोगे, आयन, आयन का मतलब प्लस माइनस,
प्लस माइनस के लिए जुगाड़ होती है, यहां आठ एकम आठ प्लस थे, आठ में से एक जा रहा था, सात ही बच रहे थे, लेकिन इधर दो ही थे तो हमने पांच इलेक्ट्रॉन लगा दिए, सात में पांच चलेगा, इधर भी दो प्लस हो गए, यहां प्लस दो थे, यहां तीन प्लस थे, एक ज्यादा था तो एक इलेक्ट्रॉन लगा दिया। आयन बराबर के बाद इलेक्ट्रॉन बराबर करेंगे, यहां पांच इलेक्ट्रॉन थे, यहां एक ही था, पूरी समीकरण को पांच से गुणा कर दी, अणु भी वैलेंस, आयन भी वैलेंस, इलेक्ट्रॉन भी वैलेंस, जब सब बैलेंस हो गया जोड़ दिया, इधर वाले इलेक्ट्रॉन उधर वाले इलेक्ट्रॉन से कट गए, हमेशा कट जाएंगे, अगर ना कटे समझ लेना आपकी समीकरण गलत हो गई, कट जाएंगे, जो इधर वाला था वो इधर उतार दिया, एरो लगाया उधर वाला था उधर उतार दिया, और बहुत आसानी से ये बैलेंस हो गई। उम्मीद करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन विधि आपको समझा पाए होंगे, अगर आपको भी कोई टॉपिक बहुत कठिन लग रहा है आप नीचे कमेंट करिए, 24 आवर्स से 48 आवर्स के अंदर वीडियो लाने की कोशिश की जाती है, डिटेल ढूंढना चाहते हैं नीचे कमेंट बहुत हो जाते हैं तो आप जाके हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है, वहां पे कई सारे कोर्सेज भी मिल जाते हैं, इंग्लिश का बायोलॉजी का सारे कोर्सेज भी मिल जाते हैं, साथ ही साथ आपको चैट सपोर्ट मिल जाएगी, आप हमसे वन टू वन बात भी कर सकते हैं। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।